अभी सम्मानित साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, मैं गौतम भोरिया, संस्थापक अंबेडकर युवा चेतना मंच, पूर्व में अध्यक्ष रहा हूं अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। साथियों, पहले तो आज के भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए इस संविधान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 नवंबर 2021 को डॉक्टर अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया गया था, जिसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो आज ही के दिन जारी करने की बात कही गई थी और 10 बजे का हमारा टाइम था, लेकिन हमारे समाज के कुछ साथी ऐसे हैं जो मतलब फोन कर करके इतने परेशान कर दिया। दो बार हमने जो वीडियो बनाई, लाइव जो हमने की थी, वो सारी ही डिस्कनेक्ट हो गई, तो अब दोबारा से हम अपनी लाइव वीडियो बना रहे हैं और आशा करते हैं कि अब कोई साथी दोबारा फोन नहीं करेगा। तो साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2021 का परिणाम हम जारी कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में तकरीबन 70 से 80 जर्नल कैटेगरी के और 300 से 400 के करीब बैकवर्ड समाज के साथियों ने हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता में टोटल 2100 के आसपास रजिस्ट्रेशन किए गए, जिसमें से 1758 बच्चों ने प्रतियोगिता देने का काम किया। साथियों, इस प्रतियोगिता में 4 लड़कियों ने टॉप 10 में अपनी भागीदारी, अपनी जो स्थान है वो सुनिश्चित किया और 6 लड़कों ने अपना स्थान सुनिश्चित किया। इसके साथ साथ इसमें 2 ओबीसी समाज के साथियों ने अपना स्थान हासिल किया और 1 जनरल कैटेगरी के और 7 शेड्यूल कास्ट के साथियों ने टॉप 10 में अपना स्थान हासिल किया। ये राज्य स्तरीय जो 10 स्थान है वो हम जारी करेंगे। सबसे पहले जो स्थान है वो बहुत ही पहला जो स्थान है वो हमारी छोटी बहन अनु, डॉटर ऑफ कृष्ण चंद, कैटेगरी एसी, जो नंबर हासिल किए हैं वो किए हैं 97 नंबर। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/7/2003। पोजीशन इनकी पहली है और जहां इन्होंने एग्जाम दिया, जो एग्जाम सेंटर था इनका, वो हिसार था और हिसार के हमारे सेंटर इंचार्ज सम्मानित संजय खोबड़ा जी हैं। तो संजय खोबड़ा जी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा और साथ के साथ छोटी बहन अनु को भी बधाई देना चाहूंगा और पूरे परिवार को भी बधाई देना चाहूंगा कि इतने बड़े स्तर की प्रतियोगिता में पहला स्थान जो है वो अनु ने हासिल किया। इनका जो गांव है, स्टूडेंट्स का जो एड्रेस है, अनु का जो पता है, वो देवीगढ़ पुनिया है और तहसील बरवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार है। दूसरा जो स्थान है वो स्थान बड़ा ही मतलब ये मान के चलो कि बड़ा ही उन लोगों के मुंह के ऊपर बड़ा तमाचा लगाया है जो ये कहते हैं कि अंबेडकर तो सिर्फ दलितों के हैं, चूड़ों के हैं, चमारों के हैं, वाल्मीकियों के हैं, दानकों के हैं। साथियों, बाबा साहब सर्व समाज के हैं, बाबा साहब सर्व जाति के हैं, बाबा साहब सारे धर्मों के हैं और ये कारनामा कर दिखाया। ये देखिए, हमारी इस प्रतियोगिता में जनरल कैटेगरी से एक बहन है हमारी हिमांशी, डॉटर ऑफ विजयपाल, रोल नंबर 1622, नंबर जो इनके हैं 100 में से 90 हैं और इनका जो एग्जाम सेंटर बना था वो बड़ौदा था। बड़ौदा के हमारे सेंटर इंचार्ज सम्मानित अमित जी थे, आपको भी बहुत बहुत बधाई और हिमांशी और हिमांशी के पूरे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। जो स्टूडेंट का हिमांशी का जो एड्रेस है वो VPO बड़ौदा, तहसील गोवाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। हिमांशी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। तीसरा जो स्थान है वो रवि स्नोप श्री अमर सिंह, रोल नंबर 1827, कैटेगरी एसी, नंबर जो है 89/89 और डेट ऑफ बर्थ जो है इनकी 29/7/2002 और इनका जो एग्जाम सेंटर है वो है टोहाना, टोहाना के जो हमारे सेंटर इंचार्ज से सम्मानित कलवंत कांटीवाल जी।
लेक्चरर कलवंत जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। रवि का जो मतलब एड्रेस है, जो गांव है, वो वीपीओ बोस्ती, तहसील टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। चौथा जो स्थान है वो है हमारी छोटी बहन खुशी का, डॉटर ऑफ विजयपाल, रोल नंबर 1421, और कैटेगरी इनकी शेड्यूल कास्ट, और जो नंबर लिए हैं वो है 87, डेट ऑफ बर्थ 29/7/2006, और एग्जामिनेशन सेंटर जो था इनका वो था हांसी में, जो हमारे सेंटर इंचार्ज रविंदर जी के नेतृत्व में जो सेंटर बना था। तो खुशी और रविंदर जी को भी बहुत बहुत बधाई। इनका जो गांव है वो है बाटोल जाटान, तहसील हांसी, डिस्ट्रिक्ट हिसार। पांचवा स्थान जो है साथियों, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, पाँच से लेके आठ तक के जो स्थान है वो सेम नंबर थे, 86 नंबर थे चारों स्टूडेंट्स के। लेकिन हमने पहले ये तय किया था कि जिस भी दो या दो से अधिक के स्टूडेंट्स के अगर नंबर सेम आ जाते हैं तो हम जिसकी एज कम होगी उसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो उसी के आधार पे हमने अपना जो ये पाँच से लेकर आठ तक का परिणाम जारी किया है, जिसमें पांचवा जो स्थान है वो है सनी सुनोप संजय कुमार, रोल नंबर 1229, कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, नंबर 86, और जो इनका डेट ऑफ बर्थ है 15/3/2007, पोजिशन जो है पांचवा स्थान है इनका, और सेंटर जो था इनका हिसार था, और जो इनका गांव है वो है दिखताना और डिस्ट्रिक्ट हिसार। छठा जो स्थान है वो है प्रिंस का सनोप बालूराम, रोल नंबर 3285, कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, नंबर 86, डेट ऑफ बर्थ 5/9/2005, पोजिशन 6, सेंटर जो था इनका एग्जामिनेशन सेंटर जो था वो था भिवानी, भिवानी के हमारे सेंटर इंचार्ज से सम्मानित राजेश बड़ियाली जी। प्रिंस और राजेश जी को भी बहुत बहुत बधाई, और इनका गांव जो है वो है वीपीओ गुजरानी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। सातवें पोजीशन पे जो है वो है हमारी बहन संगीता, डॉटर ऑफ ओम प्रकाश, रोल नंबर 1802, कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, रोल नंबर जो आए हैं वो है 86, डेट ऑफ बर्थ 17/9/2002, पोजीशन 7, जो सेंटर था इनका परीक्षा का जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो था टोहाना। इनका गांव जो है संगीता का गांव जो है वीपीओ चंद्र खुर्द, तहसील टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। आठवीं पोजीशन पे जो है वो हमारे बहुत ही सम्मानित साथी अजय कुमार जी, सुनोप रघुवीर सिंह, रोल नंबर 1917, कैटेगरी ओबीसी। देखिए ओबीसी समाज के भी हमारे साथियों ने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो साथी हमारे ऐसे हैं जो ओबीसी समाज से और जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ओबीसी समाज से साथी हैं अजय कुमार जी, सुनोप रघुवीर सिंह, रोल नंबर 1917, डेट ऑफ बर्थ 15/2/2002, और इनकी जो पोजीशन बढ़ती वो है आठवीं, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो है टोहाना, और इनका जो गांव है वो है कलौदा कला, तहसील नरवाना, डिस्ट्रिक्ट जींद। जींद से जाकर इस साथी ने मतलब टोहाना में पेपर दिया, कितनी बड़ी बात है। और नौवीं पोजीशन जो है वो हमारे ओबीसी समाज से ही है साथी पवन कुमार, स्नोप राजाराम राजा सिंह, रोल नंबर 1813, कैटेगरी इनकी ओबीसी, और पोजीशन जो है इनका नौवा है, नंबर इनके 85 है, टोहाना के सेंटर इंचार्ज पे इन्होंने अपना पेपर दिया, और इनका जो गांव है वीपीओ चंद्र खुर्द, तहसील टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। दसवां जो स्थान है साथियों, दसवां स्थान है जतिन सुनोप्रामेर, रोल नंबर 1228, कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, नंबर है 84, डेट ऑफ बर्थ 29/5/2007, और इनका जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो था हिसार, और इनका जो गांव है वो है दिनताना और डिस्ट्रिक्ट हिसार। तो साथियों आप सभी को बड़ा ही मतलब बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस प्रतियोगिता में टोटल 10 बच्चों का जो रिजल्ट है वो हमने जारी किया है, जिसमें से 7 शेड्यूल कास्ट के, 2 बैकवर्ड के और 1 जनरल कैटेगरी के हैं, जिसमें से 4 फीमेल हैं और 6 मेल हैं। तो इन सभी 10 प्रतिभागियों को जिन्होंने राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में अपना स्थान हासिल किया, बहुत बहुत बधाई देते हैं, इनके पूरे परिवार को बधाई देते हैं, इसके साथ साथ उन सभी सेंटर इंचार्जों को भी बधाई देते हैं जिन सेंटरों से इन प्रतिभागियों ने अपना ये स्थान हासिल किया। तो साथियों ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ इन सभी साथियों को मंगल कामनाएं देता हुआ मैं आप सभी से रजा लेता हूँ, और बाकी का जो रिजल्ट है 1758 बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस प्रतियोगिता में, 10 का हमने आप सभी को बताया, 1748 जो बच्चों का रिजल्ट है वो डॉक्टर अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2021 के ऑफिशियल पेज फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा।
इसके साथ साथ आप हमें मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे से रिजल्ट ले सकते हैं और अपने सेंटर इंचार्ज से भी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना रिजल्ट ले सकते हैं। तो पुनः आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और इन सभी 10 प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में अपना स्थान हासिल किया। सभी को जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। मेरा चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।